कोई भी शहर हो, कोई भी घर हो, गुनाह की हराहट पंचाती है सनसनी, फिर लुट जाता है दिन का चैन और खो जाती है रातों की नींद। देखते हैं गुनाह की काली दुनिया की सबसे बड़ी सनसनी। दिल्ली का सिस्टम, प्रायोजित हत्याकांड, पूरा एरिया है, पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहाँ पर एम्बुलेंस भी दो मौजूद हैं, एनडीआरएफ की गाड़ियां हैं, ताकि अगर उनको निकाला जाता है तो तत्काल प्रभाव से अस्पताल सेवाएं, जरूरी सेवाएं उनको दी जा सके। कोचिंग सेंटर में जिंदा छात्रों की जल समाधि, एक और स्टूडेंट रिकवर किया गया है। अभी इस बात की पुष्टि नहीं की गई कि अंदर कितनी बॉडीज है, लेकिन देखे हैं हमारी तस्वीरों के अनुसार विवेक, दो बॉडीज हमने देखी। लेकिन मौत के डरावने पलों की आंखों देखे रिपोर्ट, को जानकारी कैसे मिली कि यहाँ पर यह घटना हुई है सर? नहीं नहीं, घटना यहाँ आके देखा। अच्छा, आपको यहाँ आकर पता चला, यानी कि कोचिंग की तरफ से आप लोगों को कोई कॉल नहीं गया? नहीं नहीं, कोचिंग की तरफ से कोई जानकारी नहीं? नहीं, कॉल नहीं है। बेमौत मारे गए तीन छात्रों का विलन कौन? काम चल रहा है, पंपिंग कर रहे हैं दिल्ली। पंपिंग सर, अंदर अभी और कोई स्टूडेंट फंसा हुआ है? नहीं, अभी कह नहीं सकते सर। कितना है भरा हुआ अभी? 5-6 फीट से ज्यादा, 5-6 फीट पानी अभी है। सिस्टम धारी शैतानों के मारे बच्चे बेचारे, वो अपनी आंखों में हसरत सजाए दिल्ली पहुंचे थे। ख्वाहिश थी आईएएस अफसर बनने की, अपने माँ बाप के नाम को रोशन करने की, लेकिन हुआ क्या? जिस शहर दिल्ली में वो हजार सपने लेकर कोचिंग सेंटर आए थे, उसी शहर के प्रायोजित सिस्टम का शिकार बनकर बेमौत मारे गए। जरा सोचिए, तीन बच्चे, जरा सी बारिश और कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में आए सैलाब में जिंदा दफन हो गए, वो बेमौत मारे गए। ये किसी हत्या से कम नहीं है। जरा सोचिए वो मंजर कितना भयावह होगा, कितना दर्दनाक होगा, जब तीन बच्चों ने कोचिंग के बेसमेंट में दम तोड़ा होगा, मदद की गुहार लगाई होगी। आज सनसनी की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे इस पूरे वारदात का आंखों देखा। हम आपको बताएंगे सिस्टमधारी शैतानों के मारे बच्चों की पूरी रिपोर्ट, जिसे सुनकर देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। ये तस्वीरें दिल्ली के सिस्टम प्रायोजित हत्याकांड की हैं। ये तस्वीरें देश के उस सड़े हुए तंत्र की हैं, जहां जरा सी बारिश में तबाही का सैलाब आ जाता है। और फिर सब कुछ डूब जाता है, चाहे वो उम्मीदें हों, सपने हों, या फिर पेश कीमती जिंदगी ही क्यों ना हो। तीन होनहार छात्र जो अपने घरों से आंखों में आईएएस बनने का सपना लेकर चले थे, जिनके परिवार वालों ने बड़ी हसरत से उन्हें दिल्ली पढ़ने भेजा था, वो आधे घंटे की बारिश में जिंदा तबाही के सैलाब में दफन हो गए। इससे ज्यादा शर्मनाक, इससे ज्यादा भयावह और क्या हो सकता है? जिस राउस आईएएस कोचिंग सेंटर में लाखों की फीस चुकाने के बाद छात्रों को दाखिला मिलता है, उसी राउस आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में चलने वाली लाइब्रेरी तीन छात्रों के लिए काल बन गई। आधे घंटे की बारिश में, सिर्फ आधे घंटे की बारिश में वहां मौत का ऐसा सैलाब आया कि तीन छात्र नजरों के सामने उसमें डूब गए और कोई उन्हें बचा नहीं पाया।
जरा सोचिए मौत का वो पल कितना डरावना रहा होगा। सड़कों से बारिश का पानी मौत का सैलाब बनकर सीधे कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में आया और फिर कोचिंग सेंटर बन गया डेथ सेंटर। आप कल्पना नहीं कर सकते, मौत के उस मंजर को सोचकर ही आपका दिल कांप उठेगा। तब तबाही की सैलाब में फंसे उन तीन छात्रों ने बचने के लिए पता नहीं कितने हाथ पांव मारे होंगे। आखिरी पलों में न जाने उन लोगों ने किस किस को याद किया होगा, कैसी बदहवासी होगी और फिर घुट कर सब कुछ खत्म हो गया होगा। तीन जिंदगी सिस्टम प्रायोजित बाढ़ में यूं खत्म हो सकती हैं, और वो भी देश की राजधानी दिल्ली में, ये भला किसने सोचा होगा। किसने सोचा होगा कि दिल्ली में नेताओं और अफसरों के भ्रष्ट तंत्र की वजह से जरा सी बारिश भी तबाही ला सकती है, और वो भी इस खौफनाक अंदाज में। बिल्डिंग बिल्कुल नहीं बनी है। नहीं बनी, आप देख सकते हैं नहीं बन रही है। ये बिल्डिंग क्या है? और लोकल एमएलए, लोकल काउंसलर, कितनी बार ही इनको बताया गया कि यहाँ पे सफाई कराइए, लेकिन इसमें जो सारी लापरवाही है वो प्रशासन की ये है कि ये जो नाला है जो पूरे ओल्ड राजेंद्र नगर और इधर का सारा ये वाटर और सीवर सिस्टम है जिसमें, उसकी सफाई हुए हुए मेरे ख्याल से कम 20 से 25 साल हो गए हैं। ये तो नीचे क्लासेस नहीं चलती थी? नहीं, नीचे खाली लाइब्रेरी थी, क्लासेस ऊपर क्लासेस नहीं चलती। अब प्रशासन को हर साल तो क्लासेस ऊपर थी और नीचे लाइब्रेरी, नीचे लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी निकलने का रास्ता क्या ऊपर से था या नीचे? नीचे सही है। जरा सी बारिश और इस बारिश के साथ तबाही का सैलाब। दिल्ली में कल जो हुआ वो आजाद भारत के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। सवाल ये है कि आखिर कैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में धीरे धीरे रिश्ता पानी मौत के सैलाब में बदल गया, और उस सैलाब में फंस कर दो छात्राएं और एक छात्र बेमौत मारे गए। ये कहानी पूरी और भी ज्यादा डरावनी है। मौत के तांडव से पहले की तस्वीर देखिए। सड़क पर करीब 3 फीट पानी, मौत बनकर मंडरा रहा था। चश्मदीद छात्रों के मुताबिक बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में करीब 30 से 35 स्टूडेंट्स मौजूद थे। हादसे से पहले पानी धीरे धीरे अंदर जा रहा था। उस वक्त शाम के 6:35 हो रहे थे, यानी लाइब्रेरी बंद होने से ठीक पहले तबाही दस्तक दे चुकी थी। अक्सर शाम 7 लाइब्रेरी बंद हो जाती है और लड़के बाहर आ जाते हैं, लेकिन उस दिन उससे पहले ही मौत ने दस्तक दे दी। चश्मदीदों ने बताया कि जैसे ही वो बाहर आए लाइब्रेरी से, बहुत तेज प्रेशर में पानी बाहर से आता हुआ दिखाई दिया। सड़क पर जमा पानी बेसमेंट की ऊपरी खिड़कियां तोड़ते हुए तेजी से अंदर दाखिल हुआ, ठीक वैसे ही जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। समंदर में डूबते जहाज के केबिन में पानी जितनी रफ्तार से दाखिल होता है, उसी तेजी से पानी ने छात्रों की घेराबंदी कर दी। ठीक 2 मिनट के बाद शाम 6:36 पर लाइब्रेरी में तबाही का सैलाब बड़ी तेजी से भरना शुरू हो गया था। जब तक छात्र लाइब्रेरी खाली करते तब तक घुटनों तक पानी भर चुका था। शाम 6:37 तक बेसमेंट में 4 से 5 फीट पानी भर गया, यानी 2 मिनट के अंदर छात्रों के गले तक पानी पहुंच गया, और 3 मिनट के अंदर
सब कुछ पानी में समाता चला गया। 27 जुलाई शाम 6:38 पर पूरे बेसमेंट में 10 से 12 फीट पानी भर गया। बेसमेंट की छत की ऊंचाई 12 फीट है, यानी पूरा बेसमेंट लबालब पानी से भर गया। सांस लेने के लिए बिल्कुल जगह नहीं बची। सीढ़ियों से लेकर खिड़कियों तक पानी ने रास्ता रोक दिया। वो उसके साइज पे भी डिपेंड करता है, अगर छोटा होगा तो 30 से 40 हजार लीटर भरने में उसको कोई समय नहीं लगेगा। 3 मिनट के अंदर ही पूरे बेसमेंट में पानी भर गया था, इसीलिए छात्रों को 3 मिनट पहले ही निकलना था। पहले मिनट में पानी घुटने तक आया, दूसरे मिनट में पानी गले तक आया और तीसरे मिनट के बाद निकलने का मौका खत्म, इसीलिए 3 जिंदगियां अंदर पानी में फंस गई। संयोग ये रहा कि कुछ छात्र वक्त से पहले बाहर निकल गए, वहीं कुछ छात्रों को सहारा देकर बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन 3 जिंदगियों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और इसीलिए एक नौजवान समेत 2 लड़कियों की जान चली गई। टाइटैनिक जहाज जब डूब रहा था तो मौत को सामने देखकर यात्री ऐसे ही तड़प उठे थे। इसी घुटन में राउस कोचिंग सेंटर में फंसे छात्र भी थे। सैलाब अंदर आते ही उन्हें बचाने के लिए रस्सी फेंकी गई। फायर डिपार्टमेंट का ऑफिस घटना स्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर प्रसाद नगर में है, इसलिए राहत बचाव टीम को पहुंचने में सिर्फ 5 मिनट लगे, लेकिन श्रेया, तान्या सोनी और नेविन डाल्विन के लिए बहुत देर हो चुकी थी। गेट की तरफ से पानी का तेज प्रेशर आ रहा था। छात्र बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी का दबाव इतना था कि उन्हें सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी हो रही थी। चीख पुकार की वजह से माहौल और भयावह हो गया था। बेसमेंट भरने के बाद पानी उसके ऊपरी सतह तक पहुंच गया, जहां पर कुछ छात्र अपने दोस्तों और टीचर को हाथ पकड़कर निकालते दिखे। पंद्रह मिनट की जद्दोजहद के बाद जब कोई रास्ता नहीं मिला, साथी छात्र जब अपने 3 सहयोगियों को निकाल नहीं पाए, जब हालत पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड हुई तो पुलिस को सूचना दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस के ASI वीरेंद्र तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन हालात बेहद खराब थे, जिसके बाद थाने में SHO और दूसरे अधिकारियों को जानकारी दी गई। इस मामले में हमने FIR भी रजिस्टर कर लिया है, वो कोचिंग सेंटर के खिलाफ, जो उस बिल्डिंग मैनेजमेंट के लोग हैं उनके खिलाफ, जो वहाँ पर उस ड्रेन के मेंटेनेंस के रिस्पॉन्सिबल थे उन लोग खिलाफ, और ऐसे और भी लोग जो इस इन्वेस्टिगेशन में जिनका रोल पाया जाएगा उन सब के खिलाफ ये FIR दर्ज किया गया है। इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन में इसके लिए दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 27 जुलाई शाम 7:10 पर फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को फोन किया गया, यानी हादसे के 35 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना मिली। हादसे की वजह से बिजली काट दी गई थी, जिसके बाद टॉर्च की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। टूटी हुई खिड़कियों से डाइवर्स अंदर दाखिल हुए। श्रेया, तानिया सोनी और नेविन डाल्विन, ये वो 3 छात्र थे जो बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में फंस गए थे और अब उन्हें बचाने की चुनौती थी। 27 जुलाई शाम 7:15 पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत बेसमेंट से पानी को पंप से निकालने का काम शुरू कर दिया। बेसमेंट में पानी इतना ज्यादा था कि उसे निकालने में काफी वक्त लगा, इसलिए NDRF के डाइवर्स को मदद के लिए बुलाया गया। 27 जुलाई रात 9 बजे, यानी हादसे के 2.5 घंटे के बाद NDRF के डाइवर्स मौके पर पहुंचे और टॉर्च की रोशनी में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पानी इतना ज्यादा गंदा था कि छात्र रस्सियां तक देख नहीं पा रहे थे। पहले कोचिंग सेंटर ने खुद ही छात्रों को बचाने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश नाकाम साबित होती दिखी।
काफी मशक्कत के बाद रात 10 बजे तक तीनों की बॉडी नहीं मिली। छात्रों की तलाश में जवान एक एक कोना छान रहे थे। रात 10:40 पर एक छात्र की बॉडी मिली। केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले 29 साल नेविन डाल्विन ने तबाही की सैलाब में दम तोड़ दिया था। नेविन के बाद रात 11:10 पर दूसरी बॉडी मिली और रात 1 बजे एनडीआरएफ को तीसरी बॉडी मिली और तीनों शवों को तुरंत अस्पताल भेज दिया गया। एक बेसमेंट में पानी भर जाने से कुछ लोगों को ट्रैप होने की खबर आई थी, जिस पे दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ के टीम्स ने रिस्पॉन्ड किया था। हमने क्विकली कोऑर्डिनेट करके इन टीम्स का रिस्पॉन्स को भी कोऑर्डिनेट किया था और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ चलाए गए थे। वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 3 डेड बॉडीज वो बेसमेंट से रिकवर हुए थे, उनकी पहचान कर ली गई है और उनके परिवारजनों को सूचना दे दी गई है। तो बोले ऐसा है कि आप जो है अब आरएमएल में चले जाइए, 2-3 बच्चों की बॉडी वहाँ गई हुई है, एक बार जाके आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। फिर उसके बाद मैं तुरंत यहाँ आ गया, मोर्चरी में आया तो मोर्चरी में पता चला कि अभी रात में हम नहीं दिखा सकते या फिर कोई पुलिस गए से उसको नहीं दिखा सकते। शाम 6:35 पर ये हादसा हुआ। 3 मिनट के अंदर पानी ने पूरे बेसमेंट को अपने कब्जे में ले लिया। कुछ छात्र किसी तरीके से जान बचाकर बाहर निकले लेकिन 3 जिंदगियां अंदर फंस गई। जो अंदर फंसी उन्हें निकालने में रात के 1 बज गए। हालांकि 6.5 घंटे तक बेसमेंट में जिंदगियों को तलाशने का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा लेकिन 15 मिनट में ही सब कुछ साफ हो गया था। जो 3 जिंदगियां अंदर फंसी हैं वो अब जिंदा नहीं है। 3 जिंदगियों ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, किसी का हाथ छूट गया तो कोई मदद के इंतजार में तड़प तड़प कर अंदर ही दम घुट कर मर गया। अब सवाल ये है कि आखिर बेसमेंट में ऐसा क्या था जो उन 3 जिंदगियों को बाहर आने का रास्ता नहीं मिला। जब कोचिंग सेंटर में हुआ पानी का प्रहार तो क्यों नहीं मिली निकलने की कोई राह। बेसमेंट में ऐसा क्या था कि छात्रों को निकलने का रास्ता नहीं मिला और पानी ने घेर लिया। इन सवालों का जवाब हादसे के बाद से हर कोई तलाश रहा था। एबीपी न्यूज की टीम इसको समझने के लिए बेसमेंट में ही बनी मंजिल लाइब्रेरी में पहुंची। ये तस्वीरें दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ लेकर आई हूँ। ये एक लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी का नाम जो है वो बाहर लिखा हुआ है मंजिल। मंजिल लाइब्रेरी है, दिखाई दे रही है, बेसमेंट में बनी हुई है। और देखिए छोटे छोटे से ये केबिन्स बने हुए हैं और इनके साथ में ये लाइब्रेरी चलती है। कहीं पर कोई निकास नहीं है, यानी जिस दरवाजे से हम आए थे केवल एक वही एंट्री पॉइंट था, बाकी सारी किताबें आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं जगह जगह पर। यहाँ पर वॉच देखिए, ये ऐसी जो वॉच है, क्लॉक्स हैं वो दिखाई देंगी, बच्चों की किताबें जो हैं वो दिखाई देंगी। ऐसी ही लाइब्रेरी जानकारी के मुताबिक राव इंस्टीट्यूट की भी थी जहां पर बच्चे बैठकर पढ़ रहे थे। और देखिए कितने कंजेस्टेड है, यानी दोनों कुर्सियां कितनी आसपास मिल रही हैं, यहां पर कितनी लोगों के बैठने की जगह है नहीं है वो आप देख लीजिए। और दरवाजा हमें एक ही दिखाई दे रहा है, यानी एग्जिट यहां पर नहीं है, केवल एक ही वहां पर एग्जिट है। और कितना यहां पर कंजेशन है जरा सोचिए। अगर राव कोचिंग सेंटर की तरह मंजिल लाइब्रेरी में सैलाब आ जाए तो छात्र कैसे बचेंगे? इस कमरे से बाहर निकलने में कितना मुश्किल होगा? अगर कोई फंस गया तो ऐसी जगहों पर बचाने कौन आएगा? आप स्टूडेंट हैं? एज मेंबर ऑफ दिस लाइब्रेरी। देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये कहता है कि एटलीस्ट 2 एंट्री एग्जिट हो, यहाँ पर इतने कंजेशन ना हो, यहाँ पर इतने स्टूडेंट्स के लिए जगह तो नहीं है ना, यहाँ पर खिड़की है, ये बेसमेंट है, पार्किंग है और इतने स्टूडेंट्स यहाँ पर भरे हुए रहते हैं, यहाँ पर कोई हादसा यहाँ भी हो सकता है जैसे वहां पर हो गया। तो क्या यहाँ पर निकासी है पानी की? क्या यहाँ अगर आग लग जाए तो उसके लिए NOC है? ये वो सवाल है या नहीं जो आपके मन में भी नहीं है? मैम ये आपकी बात सही है, मैं इस बात को मानता हूँ। एज अ मेंबर ऑफ दिस लाइब्रेरी हमको ओनर ने बताया गया कि हमारी जो ये लाइब्रेरी है भत्रा मेडिकल करके है, आपको दिक्कत है
क्योंकि उसके फर्स्ट फ्लोर पे हम लाइब्रेरी शिफ्ट कर रहे हैं। राव कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बनी इमारतों के बेसमेंट में ऐसे ही छात्रों को खतरे में डालकर पढ़ाई कराई जाती है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक अब इस इलाके की लाइब्रेरी को बंद किया जा रहा है, बोर्ड भी उतारे जा रहे हैं। बेसमेंट में ऐसी लाइब्रेरीज चल रही हैं, ना सिर्फ राव इंस्टीट्यूट, ये आप बाकी इंस्टीट्यूट की भी तस्वीरें हम आपको रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं। कॉपी हो, पेन हो, बच्चों के वो रखे हुए दिखाई देंगे। और देखिए यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स के नोट्स दिखाई देंगे। और देखिए अपनी बात को मैं प्रूव कर पाऊं, देखिए 25/7 यानी 25 जुलाई के नोट्स बनाए हुए हैं स्टूडेंट ने, और ये तस्वीरें यहां पर दिखाई दे रही हैं। आज क्या डेट है आप देख लीजिए, 28 है, 25 जुलाई तक स्टूडेंट ने यहां पर नोट्स बनाए हैं। राजेंद्र नगर में राव कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह करीब 90% लाइब्रेरी बेसमेंट में ही चल रही है। छात्र 3500 रुपए की मेंबरशिप लेते हैं और जान जोखिम में डालकर यहाँ पढ़ाई करते हैं। देखिए इस तरह का बटन लगा हुआ है और बाहर फिंगरप्रिंट लगा हुआ है, यानी कि फिंगरप्रिंट जो आपका पहले स्कैन किया जाता है उसके बाद ही आप अंदर घुस सकते हैं, ये देख लीजिए। और जानकारी ये मिल रही है कि राव कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां पर वो हादसा हुआ वहां पर भी इसी तरह का फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा हुआ था, लाइट चली गई थी जिस वजह से वो स्कैनर काम नहीं कर रहा था, और उस स्कैनर के काम नहीं करने की वजह से स्टूडेंट्स अंदर फंसे रह गए थे। बेसमेंट में चलने वाली लाइब्रेरी में एक ही दरवाजा होता है, फिंगरप्रिंट के जरिए एंट्री होती है। बिजली जाने और कोई खराबी होने पर इन दरवाजों से निकलना मुश्किल हो जाता है। फिर से ऐसा हादसा हो सकता है, तस्वीरें तो नजर आ रही हैं। आपने अभी देखा भी, ऐसी एक नहीं, यहाँ 90+ जो लाइब्रेरियां हैं, 90%+ बोल रहा हूँ मैं, सब अंडरग्राउंड है। यहाँ पर बहुत जो सिस्टम है हमें खराब दिखाई दे रहा है, वेंटिलेशन नहीं है, स्टूडेंट्स आप लोग बहुत छोटी छोटी जगह में बैठे हुए हैं, इसको लेकर आप लोगों ने इन लोगों से कंप्लेंट नहीं की? कंप्लेन तो नहीं की, पर मुझे लगता है ये ऐसा डिमांड एंड सप्लाई के चलते, यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है, जिसकी वजह से कॉस्टली भी बहुत ज्यादा है ये सारी लाइब्रेरी में केवल SSM। ये लाइब्रेरी कितनी महंगी हो? 3500 फॉर रिजर्व सीट विद लॉकर। अच्छा, 3500 पर मंथ? यस। AC, वाईफाई जैसी छोटी मोटी सुविधाओं का लालच देकर छात्रों को मौत के मुंह में लाया जाता है। जरा सोचिए, अगर यहाँ पर आग लग जाए या कोई और घटना घट जाए तो कितने बच्चों की जान जाएगी। कमिश्नर MCD को एक लेटर लिखा है, MCD में साफ साफ निर्देश दिए हैं मैंने कमिश्नर को कि नंबर 1, जितने भी MCD जुरिस्ट्रिक्शन में ऐसे कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं बेसमेंट में इलीगल तरीके से, जिन्होंने बिल्डिंग बायलॉज को वॉयलेट किया है, नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया है, इन सब पर कार्रवाई हो, इन पर एक्शन लें। नंबर 2, जो कल की घटना हुई, इस घटना की जो जिम्मेदारी जिस अधिकारी की बनती है उस अधिकारी पर भी एक्शन लिया जाए। सरकार जांच कर एक्शन लेने की बात कर रही है, लेकिन अब सवाल है कि दिल्ली में कोचिंग सेंटर सुरक्षित क्यों नहीं। 2023 में दिल्ली फायर सर्विस यानी DFS और MCD के मुताबिक करोल बाग, कटवारिया सराय, कालू सराय और मुखर्जी नगर में स्थित सेंटर सुरक्षित नहीं हैं। ऐसा क्यों है सरकार भी जानती है, लेकिन आपको भी जानना जरूरी है। दिल्ली में कुल 583 कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, सिर्फ 67 के पास ही अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र है। शहर में कुल 461 कोचिंग सेंटर बिना फायर सेफ्टी के चलते हैं। कोचिंग संस्थान रिक्विजिट फायर प्रिवेंटिव एंड फायर सेफ्टी मेजर्स दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते। कई कोचिंग सेंटर ऐसी इमारतों में संचालित होते हैं जो संरचनात्मक सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते। इन क्षेत्रों में संकरी और भीड़ भाड़ वाली सड़कें हैं, कई कोचिंग सेंटरों में सिर्फ एक ही सीढ़ी है। सेंटर पर छात्रों की भीड़ होती है, एक कमरे में जरूरत से ज्यादा संख्या में छात्र होते हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी न तो सरकार की ओर से कोई एक्शन होता है और न ही अधिकारी खुद संज्ञान लेते हैं। मैंने MCD और राज्य और केंद्र सरकार को मैंने एक कंप्लेंट लिखित में की थी, तो उस पर 26 जून 2024 को की थी, उस पर बीच में 15 जुलाई और 22 जुलाई को 2 बार क्लेरिफिकेशन भी भेजा, बट उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, और स्पेशली मैंने राव IAS के बेसमेंट के आधार पर ही शिकायत की थी। वो अगर छात्रों की शिकायत पर कार्रवाई हुई होती तो राव कोचिंग में पढ़ने वाली 3 जिंदगियां बच जाती।
केरल के नेविन डाल्विन, यूपी की श्रेया यादव और तेलंगाना की तानिया सोनी जिंदा होती, लेकिन सिस्टम के प्रायोजित सैलाब ने उन्हें बेमौत मार डाला, उनकी हत्या कर दी। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।